नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम असम के एक इम्पोर्टेंट जिला गोलाघाट की बात करने वाले हैं। दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस कांजीरंगा नेशनल पार्क असम के 4 जिलों में फैला है, जिनमें से एक गोलाघाट भी है। इसके अलावा गोलाघाट के विशाल चाय बागान शहर के मुख्य अट्रैक्शन है। गोलाघाट और जोरहाट को ट्विन सिटी भी कहा जाता है। यह जिला गुवाहाटी से 284 किलोमीटर की दूरी पर है। यह असम के सबसे पुराने अर्बन एरियाज में से एक है, जो हाल ही में गुवाहाटी और राज्य के अन्य शहरों के साथ स्मार्ट सिटी मिशन में भी लिस्टेड है। गोलाघाट ब्रह्मपुर नदी के किनारे बसा है और यह इसके नागरिकों के लिए प्राइमरी वाटर सोर्स है। इस जिले की सीमा ब्रह्मपुर नदी कार्बी आंगलोंग, जोरहाट और नौगांव जिले से लगती है। ये असम के नॉर्थ ईस्ट का लैंडलॉक्ड एरिया माना जाता है, जो 3,502 वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला है। वहीं इसका इतिहास भारत के इतिहास में 9वीं शताब्दी से प्रकाश में आया है। रोहिनाक धनसरी घाटी में 16वीं शताब्दी तक ओम राजाओं का राज था। इसके बाद काचारिस राजाओं ने राज किया। इसके बाद फिर यहां पर 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का दौर आया, फिर यह एक छोटी सी रियासत में बदल गई। गोलाघाट का नाम गोलाघाट कैसे पड़ा, तो हम आपको बताते हैं। गोलाघाट नाम में गोला का मतलब है बाजार और घाट का मतलब है नदी का बंदरगाह। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक मारवाड़ी व्यापारी जिला मुख्यालय की आसपास धनसरी नदी के तट पर बाजार स्थापित किया था। इसी बाजार से इसका नाम गोलाघाट पड़ा। यहाँ के लोगों का ऐसा भी मानना है कि अहोम राजाओं के शासन काल में यहाँ तोप के गोले का एक भंडार था, जिसे स्थानीय रूप से गोला कहा जाता था और इसे स्थानीय घाट द्वारा ले जाया जाता था, जिसे उस घाट से इसका नाम गोलाघाट पड़ा। इस फैक्ट का सोर्स तो हमें नहीं पता, लेकिन आप इस वीडियो को गोलाघाट से देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि इसका नाम कैसे पड़ा होगा। वहीं आजादी के बाद 15 अगस्त 1987 में इसे शिवसागर जिले से अलग करके असम के एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था। बात करें इस शहर की न्यूमेरिकल डेटा की, तो 2011 में हुए जनगणना में यहाँ की आबादी 10,66,888 लोगों की थी, जो साइप्रस देश की आबादी के लगभग बराबर है। जहाँ 88.99% हिंदू, 8.46% मुस्लिम और 4.74% ईसाई धर्म के लोग प्रसन्नता और प्यार से रहते हैं। यहाँ हर वर्ग किलोमीटर में 305 लोगों की जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। इस शहर में हर 1000 पुरुषों पर 964 महिलाएं पाई जाती हैं, जो समाज में महिलाओं की स्टेटस बताती है। वहीं पढ़ाई लिखाई के मामले में यहाँ के लोग काफी शिक्षित माने जाते हैं। यहाँ पर 77.43% लोग पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादातर अपनी मातृभाषा असमिया में बातचीत करते हैं। इसके अलावा अन्य लोग बंगाली, नेपाली, बोरो, हिंदी और सादरी भाषा में वार्तालाप करते हैं। गोलाघाट की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चाय बागानों और कृषि पर निर्भर करती है। चाय बागान और गन्ना यहाँ उगाई जाती है, जिनमें से चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में 63 बड़े चाय बागान हैं, जिनका सालाना चाय कारोबार 20,000 टन का है। यह स्थान पूर्वोत्तर चाय संघ NTA का मुख्यालय भी है, जो असम राज्य में चाय उत्पादकों के समूहों में से एक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी इस क्षेत्र का प्रमुख हैवी इंडस्ट्री है, जो हर साल 3 मिलियन टन कच्चे तेल का प्रोसेसिंग करता है। नुमालीगढ़ गोलाघाट में सबसे ज्यादा पैसा लाता है। गोलाघाट में अगरबुट की खेती और व्यापार के नियमन और प्रशासन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। डांस और म्यूजिक मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन होने के कारण लोग ज्यादातर बिहू डांस के कुंड में यहाँ डूबे रहते हैं, जो असम का फोक डांस है। खाने पीने में यहाँ भी आपको असम के पारंपरिक व्यंजनों का ही स्वाद मिलेगा, जिनमें आलू पिटका, खारा और मसूर टेंगा जैसे जायकेदार पकवान शामिल हैं। अगर आपको सड़क पर ज्यादातर AS05 नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चलती दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप गोलाघाट सिटी में कदम रख चुके हैं। यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार द्वारा बेहतर करने पर ध्यान दिया जा रहा है। यह शहर ट्रांसपोर्ट के तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के मुख्य रेलवे स्टेशन गोलाघाट रेलवे स्टेशन है, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के लुमडिंग डिब्रूगढ़ डिवीजन पर मौजूद है। यहाँ पर कोई हवाई अड्डा तो नहीं है। इस शहर के सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जोरहाट हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है। NH-37 और NH-39 से यह असम के और दूसरे राज्यों के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, गोलाघाट जिले की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।